अभी हम जहाँ पे जा रहे हैं, जैसे कि मैंने अभी आपसे कहा, पहले तो मैंने आपको रोड दिखाया कि हम किस रोड से जा रहे हैं और आपने दिन भी देख लिया। तो अभी जहाँ पे मैं जा रही हूँ जिस स्पॉट पे, वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है ना, वो इतना डिलीशियस है, मतलब मेरा तो सबसे ज़्यादा फेवरेट है। क्योंकि मैं जब भी जाती हूँ, मतलब अगर मैं मुझे चांस मिला कि मैं वहाँ से जाऊँ, तो मैं खा के ज़रूर ही जाती हूँ और शाम को खाना नहीं खाती और रोज़ की तरह मम्मी की दाल खानी पड़ती है। लेकिन फ़र्क बस इतना है कि अभी सब लोग देख रहे हैं मेरे को, लेकिन ये क्या चल रहा है, क्योंकि अभी हम नगर में हैं। तो नगर में जो हम जहाँ पे जा रहे हैं, उस स्पॉट का नाम है सारस नगर, और जो वहाँ का जो स्ट्रीट फूड है ना, वो इतना अच्छा रहता है। मतलब जो चटपटा पानी पूरी, भेल, ओड़ी भेल, भाई ने शासन सर मतलब ओड़ी भेल अपन का शाला खा बंद किया, और सभी लोगों को मालूम है, खाई भी होगी बहुत बार, क्योंकि महाराष्ट्र में तो सब घूम घाम के गई है। लेकिन और एक बात मैं आपको भूलना मतलब बताना भूल गई कि हम जो है, मैं मतलब स्पेशली मैं, भाई तो पुणे में रहता था और मैं यहाँ पे रहती थी, तो ज़्यादा करके मैं तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही जाती थी। मतलब मेरा जो फ्रेंड जोन था, तो हम ही जाते थे, लड़कियाँ गर्ल्स का। लेकिन अभी जो मतलब ये लॉकडाउन जब से लगा है ना, 2 सालों से, तो इन 2 सालों में जो मेरी फ्रेंड्स गाँव गई है ना, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वो वहीं पर ही बस गई है, क्योंकि वापस आने का नाम नहीं ले रही। इसलिए आज मैं भाई के साथ, और ये भी पुणे से बहुत दिनों बाद आया, और बहुत दिनों से हम सोच भी रहे थे कि हम जाएंगे, लेकिन टाइम ही नहीं मिला और बहुत ज़्यादा काम थे। इसका गाना आ रहा था, हम वो भी कर रहे थे, वापस शूटिंग वगैरह, तो बहुत मतलब ज़्यादा भी 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बिजी हो गए थे हम। तो आज जाके टाइम मिला है, तो आज हम जा रहे हैं, और वहाँ पे जाने के बाद मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। और क्योंकि सैटरडे एक ऐसा दिन है कि मतलब लोग बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं, तो सैटरडे के लिए एकदम ऐसे मतलब फ़न करने के लिए आते हैं बाहर, और उस स्पॉट पे तो ज़्यादा करके मतलब लोग फ़न के लिए आते हैं, और बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस जगह पे, क्योंकि जो वहाँ का स्ट्रीट फूड है ना, वो अभी गाड़ी का पेट्रोल थोड़ा खत्म होने आया है, स्कूटी का, तभी हम पेट्रोल भरने जा रहे हैं। और अभी जो ये आप हाईवे जो देख रहे हो ना, ये मेन हाईवे है, अहमदनगर टू पुणे, एंड पुणे टू मुंबई, नहीं तो फिर वहाँ से अगर ये नगर तो मुंबई टू पुणे, पुणे टू अहमदनगर, ऐसा। और अभी यहाँ पे ब्रिज हो रहा है, अभी आप देख रहे हो, तो आ गया है अपना पेट्रोल पम्प, और अभी वहाँ पे हम पेट्रोल भरेंगे। देखो यहाँ पे न्यू शॉप खुली थी ट्रेंड्स करके, गाड़ियाँ देख ही रहे हैं। देखो ये यहाँ का ब्रिज जो है, मैं आपको दिखा देती हूँ, ये यहाँ का ब्रिज हो गया है, और अभी आगे का काम चालू है।
तो यहाँ पे नीचे भीड़ कम है, अभी ऊपर से ज्यादा जाएगी जब ये पूरा हो जाएगा। तो काम अभी भी चालू है, लेकिन पूरा काम चालू है अभी। पुलिस खड़ी थी लेकिन हमने मास्क नहीं लगाया था, फिर फटाक से ऊपर कर दिया इसको भी बोला और उनका शूट लिया। तीनों के तीनों खड़े थे, देख लिया होता टिकट काटा होता अभी हमारा। ये जो अभी आप स्ट्रीट फूड देख रहे हो ना, अभी से इनका स्टॉल ओपन होने लग रहा है और इसी के सामने जस्ट सामने यहाँ पे जो है बस स्टैंड है, ये जो है यहाँ पे हाँ ये देखो ये न्यूज रिपोर्टर वाले, ये इनकी एडवर्टाइजमेंट चल रही है शायद अभी। अभी अपन पहुंचने वाले हैं अपने मेन डेस्टिनेशन पे। अभी यहाँ पे आप भाई ने गाड़ी पार्क की है और अभी आप देख सकते हो कितनी सारी भीड़ है। और गाइस अभी हम भाई तो चला गया ऑर्डर देने के लिए, लेकिन मैं सबसे पहले भेल खाऊंगी, उसके बाद पानी पूरी खाऊंगी क्योंकि यहाँ की जो भेल है बहुत ज्यादा अच्छी होती है, उसके बाद पानी पूरी खाऊंगी और उसके बाद कुछ ठंडा पीने का सोचेंगे हम। तब तक के लिए मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ की स्टॉल्स और कैसे यहाँ के लोग खाना बनाते हैं। और सबसे ज़्यादा मतलब मैं जब भी आती हूँ, मैंने आपको पहले भी बताया, मैं जब भी आती हूँ तब भी हम यहीं से खा के जाती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनता है। और आप भी जब भी आप भी अगर अहमदनगर कभी आओ तो प्लीज़ यहाँ का खाना खा के जाना, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा बनता है खाना। आ रही है ये देखो, इसको यही पसंद है, देखो कैसे खा रही है, टेस्टी है ना, सब खा रही है। ये है महालक्ष्मी भेलपुरी सेंटर। तो अभी अपन खाने वाले हैं पानी पूरी, लेकिन अभी बहुत ज़्यादा पेट भरा है इसलिए खाने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी मेरे को यहाँ की स्पेशली यहाँ की मुझे बहुत अच्छी लगती है पानी पूरी, इसलिए मैं एक तो प्लेट खा के जाऊँगी पक्का। दोनों भेलपुरी और पानी पूरी दोनों खा लिए, बहुत पेट भर गए अभी, क्योंकि उन्होंने पूरी प्लेट भर के दी थी वो भेल। और जिसको भी पानी पूरी तो बहुत जनों को पसंद है और लड़कियों को तो खास करके बहुत ज़्यादा पसंद होती है। मैं ना
तीन प्लेट के नीचे कभी नहीं खाती, तीन प्लेट एटलीस्ट खा ही लेती हूँ आराम से, लेकिन आज बहुत ज़्यादा पेट फेल भी खाई और पानी पूरी भी, तो एक ही प्लेट खाई मैंने पानी पूरी। लेकिन जिस जिसको भी पसंद है पानी पूरी और पेट, प्लीज़ वो जरूर कमेंट करके बताएं। कि तब तक के लिए अपन जाते कुछ ठंडा गर्म खाते हैं। यहाँ के वन बाय ऐसे मतलब स्टॉल्स ही लगे हैं, जहाँ पे जाओगे ना वहीं पे आपके मनपसंद का हर चीज मिलेगी आपको, हर एक मेन्यू है यहाँ पे अलग अलग स्टॉल पे। इसने ले ली मेरी आइसक्रीम दोनों में, मुझे लगा मेरे को ये तो सबको ही अच्छी लगती है आइसक्रीम, दिल को ठंडक मिल गई। और अभी हम ये खाने के बाद तो घर जाने वाले हैं, और जिसको भी पसंद है कमेंट करके बताएं आपको कौन सा मेन्यू पसंद है, आपको कौन सी चीज़ पसंद है खाने में, क्योंकि मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद जो चीज़ है मेरी वो है आइसक्रीम और एक भेल और पानी पूरी, तीनों में मेरी बहुत ज़्यादा फेवरेट है। आपकी कौन सी फेवरेट है आप कमेंट करके बताइएगा। जब भी आप अहमदनगर आओगे तब भी आप यहाँ इस स्टॉल पे ज़रूर आए और ज़रूर यहाँ की भेल खाएं, और ये टेस्ट की भी होगी तो भी बताइएगा, अगर नहीं किए तो ज़रूर आके टेस्ट करके जाइए और फिर मुझे कमेंट करके बताइएगा इस वीडियो पे कि कैसे लगे आपको। ठीक है, तो अभी चलते हैं घर, अभी फिर घर में बात करेंगे। और अभी जो है हम घर पे आ गए हैं, पप्पा आगे भाई तुम जो ना लो, अभी हम घर पे आ गए हैं और ब्लॉग यहीं पर ही अपना ख़त्म होता है। ये ज़्यादा बड़ा ब्लॉग नहीं था, अगर ये ब्लॉग आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और जो लोग न्यू हैं मेरे चैनल पे प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं कौन सा अगला ब्लॉग लाऊं आपके लिए प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और ब्लॉग भी कैसे लगा ये भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अपन नेक्स्ट ब्लॉग में।